अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अलग बर व्लॉग। आप देख रहे हैं आज का न्यू व्लॉग। आज का न्यू व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का व्लॉग स्पेशली किड्स के लिए भी है। तो आज की वीडियो में आपको दिखा रही हूँ स्लाइम जो मैं अपने बच्चों के लिए लेके आई थी, अरहम और अरमिश के लिए। ये ग्लिटरी स्लाइम है, ये बहुत प्यारी है। आप अगर बिहारी के रहने वाले हैं तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर ना 70 रुपीज़ की जो सेल लगी हुई है, जब ईद के बाद 80 रुपीज़ की कर दी है, तो वहाँ से मैं ये लेकर आई हूँ। अच्छी लगी मुझे स्लाइम, बच्चे खेल रहे हैं और कहीं ये चिपक नहीं रही, अच्छी है। तो इसी तरह आप एक रीजनेबल प्राइस में बच्चों को लाकर उनका शौक पूरा कर सकते हैं। ये पर्ल थे मेरे पास रखे हुए, मैंने इन दोनों को पर्ल दिए, इन्होंने इसमें ऐड किया। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत ही लग रही है। पर्ल ऐड करने के बाद ये और भी प्यारी लगने लग गई थी, जितनी पहले प्यारी लग रही थी। ऑलरेडी ये ग्लिटरी की स्लाइम थी तो ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। बच्चों ने इसके साथ बहुत ज़्यादा खेला है, कभी कोई चीज़ बना रहे हैं और कभी कुछ बना रहे हैं। ये जो हम यूजुअली देखते हैं कि बहुत ही ये पतली सी स्लाइम होती है, तो उस तरह नहीं थी, ये थोड़ी सी थिक में थी लेकिन अच्छी थी और इससे ना शेप भी बन रही थी। और ये बहुत खूबसूरत है, ये देखें अरहम की ब्लू है और अरमिश की ये पर्पल कलर में थी। यहाँ अरहम बालकनी में बैठा हुआ और उसने मुझे कहा कि देखो मैं इसमें ना टर्टल बनाता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ मेरी वीडियो बनाना। और फिर माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई है इस स्लाइम से। कभी टर्टल बनाया है, कभी स्नेक बनाया और बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई हैं। हॉर्स शेप कटर लेके उससे बनाया है इन्होंने। बच्चों का स्लाइम के साथ खेलना एक अच्छी एक्टिविटी है। और यहाँ पर आप देखें कि अरहम का टर्टल भी रेडी हो गया, इसने बहुत प्यारा टर्टल बनाया। और टर्टल के साथ साथ इसकी एक और चीज़ भी रेडी हो गई है, ये देखें। होपफुली आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बच्चों के लिए थी आज की स्पेशली वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।